यह कहानी हमें 12वीं सदी के उत्तरार्ध में ले जाती है, जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ रहा था। उस समय बख्तियार खिलजी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। बख्तियार खिलजी का असली नाम इख्तियार उद दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था और वह अफगानिस्तान की खिलजी कबीले का सदस्य था। उसने भारत में अपना पैर जमाने के लिए कई युद्ध लड़े और जीत हासिल की। बख्तियार खिलजी का मुख्य उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसने बंगाल और बिहार के कई हिस्सों पर कब्जा किया और अपना शासन स्थापित किया। नालंदा उस समय का एक प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय था, जिसे 5वीं सदी में स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। यहाँ पर देश विदेश से आए विद्वान अध्ययन करते थे और ज्ञान की रोशनी फैलाते थे। बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिली और उसने इसे अपने हमले का अगला लक्ष्य बनाया। यह कहना मुश्किल है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों निशाना बनाया, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इसका कारण धार्मिक असहिष्णुता और वैचारिक मतभेद था। बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बीच मतभेद थे और बख्तियार खिलजी ने इसे खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर अचानक आक्रमण किया। विश्वविद्यालय में उस समय हजारों छात्र और शिक्षक मौजूद थे। खिलजी के सैनिकों ने नालंदा के भवनों को घेर लिया और बेरहमी से लोगों की हत्या की। इसके बाद उन्होंने पुस्तकालयों में आग लगा दी। नालंदा का पुस्तकालय अपने समय का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें लाखों पुस्तकों का संग्रह था। इन पुस्तकों में वैज्ञानिक, साहित्यिक, धार्मिक और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी थी। कहा जाता है कि नालंदा का पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा, क्योंकि उसमें इतनी अधिक मात्रा में पुस्तकें और पांडुलिपियाँ थी। इस आगजनी के कारण कई अनमोल ग्रंथ और ज्ञान की बातें हमेशा के लिए खो गई। बख्तियार खिलजी के इस कृत्य ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त कर दिया, बल्कि भारत की शिक्षा और संस्कृति को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद नालंदा का पुनर्निर्माण नहीं हो सका। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने भारत के ज्ञान और शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र को ही नष्ट कर दिया। यह घटना भारतीय इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा और ज्ञान की अहमियत का एहसास दिलाया। बख्तियार खिलजी का नालंदा पर आक्रमण इतिहास की एक ऐसी घटना है जो हमें यह सिखाती है कि हिंसा और असहिष्णुता से सिर्फ नुकसान ही होता है, ज्ञान और शिक्षा का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता और हमें हमेशा इसे संजो कर रखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि इतिहास में घटी घटनाओं का हमारे वर्तमान और भविष्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां शिक्षा और ज्ञान को सर्वोपरि माना जाए, ताकि नालंदा जैसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति न हो।